नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देवास मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब, कैसे और क्यों हुई थी। शाम के करीब 6 बजे का वक्त था। मध्य प्रदेश के देवास जिला मुख्यालय में चामुंडा कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित गोल्डन कॉफी हाउस में रोज की तरह काफी रौनक थी। उस समय उज्जैन की तरफ से एक कार और इंदौर की तरफ से एक और कार आकर गोल्डन कैफी हाउस के सामने रुकी। एक कार से करीब 45 साल की एक निहायत ही खूबसूरत महिला उतरी, वहीं दूसरी कार से 25 और 26 साल के दो लड़के नीचे उतरे। उन युवकों ने उस महिला का अभिवादन किया तो उस महिला ने दोनों के अभिवादन का सिर हिलाकर जवाब दिया। उन्हें साथ लेकर वो उस कॉफी हाउस में दाखिल हो गई। ये बात 20 फरवरी 2018 की है। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर कॉफी हाउस के बाहर ही रहे। करीब 1.25 घंटे बाद वो तीनों कॉफी हाउस से बाहर आने के बाद अपनी अपनी कार में आकर बैठ गए। वो महिला इंदौर की तरफ रवाना हो गई। इसके कुछ देर बाद दोनों युवकों ने अपने ड्राइवर को उस महिला की कार का पीछा करने को कह दिया। देवास से इंदौर रोड पर लगभग 6 किलोमीटर आगे सिपरा नदी का पुल है। ये पुल देवास और इंदौर जिले की सीमा बनाता है। चूंकि शाम के समय सड़क पर ट्रैफिक अधिक था, इसलिए सिपरा तक पहुंचने में दोनों गाड़ियों को 15 से 18 मिनट का समय लगा। उन युवकों की कार महिला की कार से सुरक्षित दूरी बनाकर पीछा कर रही थी, ताकि कार में बैठी महिला को उसकी कार का पीछा किए जाने का शक न हो सके। सिपरा निकलने के बाद उन युवकों ने अपने ड्राइवर से कहा कि वो ओवरटेक करके उस महिला की कार के आगे अपनी गाड़ी लगा दे। इसके बाद उस ड्राइवर ने कार की गति तेज कर दी। इसी बीच उस महिला ने अपनी कार एक शराब की दुकान के सामने रुकवा दी। वो महिला कार से उतरकर शराब की दुकान से बियर लेने लगी। तब तक उन युवकों की कार भी वहां आकर रुक गई। उनमें से एक युवक हाथ में रिवॉल्वर लेकर कार से उतरकर शराब की दुकान पर खड़ी उस महिला के पास पहुंचा। महिला बियर पसंद करने में खोई हुई थी, इसलिए उसने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि कुछ देर पहले वो जिस युवक से कॉफी हाउस में मिलकर आ रही है, वो उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुँचा है। दूसरी तरफ युवक ने उसके पास जाकर रिवॉल्वर उसकी गर्दन पर रखकर ट्रिगर दबा दिया और तेजी से अपनी कार में बैठ गया। फिर वो दोनों युवक देवास की तरफ निकल गए। भरे बाजार में महिला की हत्या होने के बाद बाजार में खलबली मच गई। सूचना मिलने पर थाना औद्योगिक क्षेत्र के थाना प्रभारी SPS राघव, तत्काल SI श्रीराम वर्मा आदि के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घायल अवस्था में पड़ी उस महिला को तुरंत पहले देवास के अपेक्स अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने की वजह से उसे इंदौर के MY अस्पताल भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृत महिला के कार चालक से पूछताछ की तो पता चला कि मरने वाली औरत नहीं बल्कि किन्नर किरण थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे इंदौर के अलावा दिल्ली और श्रीनगर में भी थे। कार चालक ने यह भी बताया कि किरण को गोली मारने वाला युवक लाल रंग की कार में बैठकर देवास की तरफ भागा है। इस पर थाना प्रभारी राघव ने ये खबर बिना देर किए पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। इसका नतीजा ये निकला कि कुछ ही देर के बाद उज्जैन तिराहे से गुजर रही लाल रंग की कार को यातायात पुलिस ने रोक लिया। उस समय उस गाड़ी में ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं था। उस ड्राइवर का नाम मोहम्मद रहीश था, जो सारंगपुर का रहने वाला था। दोनों SI उसे थाने ले आए। पूछताछ करने पर मोहम्मद रहीश ने बताया कि ये गाड़ी कन्नार निवासी एक व्यापारी की है, वो तो गाड़ी का ड्राइवर है। इस गाड़ी को आज उज्जैन के बेगमबाग निवासी भूरा और एजाज खान किराए पर लेकर देवास आए थे। उसने ये भी बताया कि किन्नर की हत्या करने के बाद दोनों उसकी गाड़ी में सवार होकर कुछ दूर तक आए थे। बाद में पुलिस के डर से गाड़ी से उतरकर वे पैदल ही कहीं चले गए थे। ये जानकारी मिलने के बाद देवास के SP अंशुमन सिंह ने ASP अनिल पाटीदार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और थाना प्रभारी राघव की टीम को फरार हो चुके दोनों आरोपियों को ढूंढने में लगा दिया। टीम पूरी मेहनत से आरोपियों को खोजने में जुट गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन मुख्य आरोपी भूरा को पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हर आरोपी की तरह भूरा ने भी पहले तो किरण को जानने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने जब उससे अपने तरीके से पूछा तो उसने किन्नर किरण की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने भूरा की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर और उसके खून सने कपड़े भी बरामद कर लिए, जिसके बाद पूरी कहानी इस प्रकार से सामने आई।
आज से कोई 45 साल पहले मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में जन्मे चांद से खूबसूरत बच्चे का नाम रखा गया था अनीस मोहम्मद अंसारी। लेकिन अंसारी परिवार की खुशियां उस समय मिट्टी में मिल गई जब उस बच्चे के बड़ा होने पर ये बात सामने आई कि अनीस सामान्य लड़का नहीं बल्कि एक किन्नर है। 5-7 साल की उम्र से ही उसके चेहरे मोरे में जनाना भाव आने लगे थे। जिस तरह की नजाकत उसमें आने लगी थी उस जैसी नजाकत और खूबसूरती कई लड़कियों में भी देखने को नहीं मिलती। किशोर अवस्था में पहुंचकर अनीस अपनी सच्चाई समझ चुका था, इसलिए 15-16 साल की उम्र में ही वो इंदौर से दिल्ली चला गया और वहाँ एक किन्नर जमात में शामिल हो गया जहाँ उसका नाम रखा गया किरण। देखते ही देखते किरण दिल्ली की सबसे खूबसूरत किन्नर बन गई, जिसके चलते उसने अपने गुरु के साथ रहते हुए करोड़ों की प्रॉपर्टी भी जमा कर ली। इतना ही नहीं, गुरु के बाद किरण को ही अपने गुरु की पदवी मिल गई। इसके बाद तो उसके इलाके के किन्नर जो भी कमाई करके लाते थे वो किरण के हाथ में रख देते थे, जिससे उसे और ज्यादा कमाई होने लगी। किरण की खूबसूरती लगातार बढ़ती जा रही थी। रंग रूप और शारीरिक बनावट से हर कोई उसे औरत समझने का धोखा खा जाता था। इसलिए दिल्ली में तो उसके दीवारे थे ही, दिल्ली के बाहर भी उसके चाहने वालों की संख्या बढ़ गई थी। परिवार के इंदौर में रहने के कारण उसका इंदौर में भी आना जाना लगा रहता था, सो इंदौर में भी उसके दीवानों की संख्या कम नहीं थी। किरण की जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव कुछ साल पहले उस समय आया जब वो श्रीनगर कश्मीर घूमने गई थी। इस दौरान वो डल झील में चलने वाले सबसे महंगे बोट हाउस में ठहरी। शिकारा का मालिक जहांगीर उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था, सो उसने किरण की खूब मेहमान नवाजी की। जहांगीर के कई शिकारा डल झील में चला करते थे, जिसके चलते श्रीनगर में उसकी अच्छी खासी संपत्ति थी। अपितु जहांगीर उम्र में किरण से छोटा था, लेकिन किरण का जादू उसके ऊपर कुछ यूं चला कि वो उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने से खुद को नहीं रोक सका। किरण जानती थी कि जहांगीर उसे औरत समझने की गलती कर ये बात कह रहा है। ऐसे में किरण को पीछे हट जाना था, लेकिन प्यार की तलाश हर किसी को होती है, इसलिए किरण ने उसका प्यार स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उससे शादी भी कर ली। ऐसे में किरण के किन्नर होने की सच्चाई जहांगीर के सामने खुलनी तय थी। सुहागरात के मौके पर इस सच को वो स्वीकार नहीं कर सका। इसका नतीजा ये निकला कि जहांगीर ने किरण को जल्द ही छोड़ दिया। ये बात किरण को बहुत बुरी लगी। वो अपनी खूबसूरती की ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर पाई, लिहाजा उसने जहांगीर को खत्म करने का फैसला कर लिया। घटना से 2 महीने पहले एक शादी समारोह में किरण और भूरा की उज्जैन में पहली मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में भूरा ये जान गया था कि किरण एक किन्नर है, इसके बावजूद भी वो उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। किरण को भी एक मोहरे की तलाश थी जिससे वो जहांगीर की हत्या करा सके। उसे इस बात की भी जानकारी थी कि नाबालिग उम्र में भूरा हत्या के एक आरोप में जेल जा चुका था, इसलिए मौका देखकर उसने भी भूरा को निराश नहीं किया। किरण ने जब देखा कि भूरा पूरी तरह से उसके कब्जे में आ चुका है, तो एक दिन उसने भूरा से जहांगीर की हत्या करने को कहा। इसके लिए उसने भूरा को 25 लाख रुपए का लालच देने के साथ 2.5 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए। भूरा किरण का दीवाना हो चुका था, सो उसने जहांगीर की हत्या करने की बात स्वीकार तो कर ली, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे लगने लगा कि कश्मीर में जाकर वहां के किसी आदमी की हत्या करके भागकर वापस आना आसान काम नहीं है, लिहाजा वो काम करने में आनाकानी करने लगा। इस पर किरण ने खुद भूरा को धमकी दे डाली। किरण ने उससे कहा कि अगर जहांगीर को मरवाने में 25 लाख खर्च कर सकती है तो तुम जैसों के लिए तो कोई 25,000 लेकर ही निपटा देगा। ये धमकी देकर उसने भूरा पर जहांगीर की हत्या करने के लिए दबाव बनाया। भूरा जानता था कि किरण के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो पैसों के बल पर उसकी हत्या भी करा सकती है, इसलिए उसने अपने दोस्त एजाज के साथ मिलकर किरण की हत्या करने की योजना बना डाली, जिसके बाद उसने 20 फरवरी 2018 को किरण को देवास बुलाकर जहांगीर की फोटो दिखाने को कहा। उसने किरण से कहा था कि वो जहांगीर का काम करने श्रीनगर जा रहा है, इसलिए पहचान के लिए जहांगीर की फोटो की जरूरत पड़ेगी। किरण ने जहांगीर का फोटो देने के लिए भूरा को देवास बुलाया था। यहाँ चामुंडा कॉम्प्लेक्स स्थित कॉफी हाउस में भूरा और किरण की मुलाकात हुई। वहीं पर उसने भूरा को जहांगीर का फोटो दे दिया था। फोटो देने के बाद लौटते समय वो ठंडी बियर लेने के लिए शराब की दुकान पर रुकी, तभी भूरा ने उसकी हत्या कर दी। ड्राइवर मोहम्मद रहीस और भूरा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके दोस्त एजाज खान को भी गिरफ्तार कर लिया था। फिर तीनों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया था। तीनों आरोपियों की अभी तक जमानत नहीं हो सकी थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।